है इस कुश्ती में, इस कुश्ती का जिम्मेवार मैं ही रहूंगा। तो तुम भी साइन करो और कोई रेफरी नहीं होगा, आर पार की कुश्ती होगी। तू मर गया तो ये तो फंस भी सकता है, कुश्ती में कोई नहीं मरता, इतनी कुश्ती हुई कोई नहीं मरता। हाँ घायल जरूर हो जाता, चोट जरूर लग जाती, लेकिन मरता तब है जब अपने देश में हार जाता, वो मरने का समान है। अपने देश में हार जाना वो मरने का समान है, उस बात का उस बात के लिए मैंने लिखा। तूफान कहाँ ना बोले, अरे मैं तूफान तूफान सिंह रुकिए, अरे तूफान सिंह आदमी, तूफान सिंह नमस्कार तूफान सिंह, तूफान सिंह केस पे है उसके बाद तूफान सिंह, हां जी बेटा तूफान सिंह, तूफान सिंह तुमने इंडिया का नमक खाया है आपको पता है, करो पहलवान जी, लेकिन आज नमक में सीरियस हो जाएगी। अरे इधर क्या ले आ रहे हो, जाओ पहलवान इधर क्या ले आ रहे हो। नमस्कार नमस्कार, ओ जी हम दे देंगे मेरी जो जो करो पहलवान को जो इच्छा हो नाम। हेलो, देखिए पहलवान मेरे साथ में बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, बताइए कहाँ का नियम है, कपड़े फाड़ दिया मेरा। लेकिन मैं यहाँ के नेपाल के जनता को एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसने मेरी टी शर्ट फाड़ी है, मैं इसकी गांड फाड़ दूंगा। देखिए पारस पहलवान, मुंह से लड्डू नहीं बनते हैं, लड्डू बनाना पड़ता है। दूसरी बात, तुम इतने बड़े पहलवान का अपमान किया, और अभी लिखावट का पता लग जाएगा कि तूफान सिंह का झंडा लहराता है कि पारस पहलवान नेपाल का झंडा लहराता है। तूफान गर्म होते रहो, जोर से होकर लड़ना, ये तो मुश्किली है, मुश्किली तुम्हारा क्या कर लेगा। अरे तुम मेरे पे क्यों गुस्सा हो रहे हो, मैदान बताएगा, खड़ा बताएगा, मत पंडित हो, पंडित का काम होता है लड़ाना लड़ाना कुछ नहीं, अभी लिखावट पता लग जाएगी। हाँ मैं चाहूंगा कोई सज्जन यहाँ पे चलकर हाथ लगवाए, दोनों पहलवानों का, कोई नेपाल का है कहीं का भी हो, चलिए दोनों, कोई दबाव नहीं है, जो मैं अपने श्रद्धा से इनका दूध पीने के लिए सावर्धन कर देंगे। पारस पहलवान तुमने बहुत बड़ा कदम उठा दिया है, देखो क्या होता है। चलिए परचय दो बाबा जी, बड़े परचय तो दोगे, क्या भांग खाए हो, बिना परचय की कुश्ती कराए दे रहे हो। अरे यार बात तो है ही, लेकिन परचय तो दो दो, एक बार जनता देख ले। पैंट तुम्हारी भी गीली हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा क्या हो सकता है कि शेर के सामने बकरियां टकराई, ऐसा नहीं, पहले उधर युद्ध करो। ये देखो पारस थापा पहलवान, दुनिया पूरा नेपाल राष्ट्र जानती है, पारस का झंडा देश विदेशों तक गया है, इंडिया में जाके मेडल भी प्राप्त करवाया। और इधर हाथ पकड़िए, इधर ठाकुर तूफान सिंह, जब ये शाम के जाता है तो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, छोटे बच्चे रोना बंद कर देते हैं, कहते हैं बेटा चुप रहो तूफान सिंह आ गया है। ये वही तूफान है, नजर उठा के देख लो, आज जो पारस ने इतना बड़ा कदम उठाया है, मौत की अपने दावत दिया है, हम ये नहीं कहते इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जाता है। ये तूफान सिंह पहलवान मध्य प्रदेश MP, कुश्ती का टाइम 10 मिनट। चलिए
दस मिनट अपनी अपनी घड़ी देख लो, 10 मिनट का समय है। दोनों पहलवान लिख के गए हैं कि कुछ भी हो सकता है कुश्ती में, ये मरेगा मैं मरूं। कोई बात नहीं, मोबाइल देख लो, मेरे पास मोबाइल नहीं है भाई। मोबाइल को हम लगा के आए हैं, कमरा में रख के आए हैं। परसों कोई जूता उठाए ले जा रहा था, आज मोबाइल ले रहा था। ओख रहे हो जाओ तूफान जी। दोनों के बीच में बड़ी करारा टक्कर। बाबा जी कुश्ती पे ध्यान दे रहे, राइट और फाउल नहीं करेंगे, राइट करेंगे फाउल नहीं करेंगे। पारस थापा शांजारा काला चित्ता उर्फ तूफान पहलवान झांसी बेटा घमासान कुश्ती भैर को छ नेपाल भारत कुश्ती संघ रे रेसलिंग फ्री स्टाइल। बाहर मत, बाहर मत, अंदर 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 पहलवान अंदर। अरे अंदर ला यार, अंदर निर्देश दास। अच्छा से लड़ो, चोट मत मारना, ठीक है? गैर जाने वहां लड़ो। हाँ तुम मार के चलो ना। ए अंदर, ओए अंदर, ओए अंदर चलो पहलवान, अंदर चलो, अंदर भागा रहा, धक्का दे रहा है, भागा रहा है। फाउल होगा, अंदर जाओ, अंदर क्या हुआ क्या? हाँ अंदर ला दो, अंदर बोल देते हैं, अंदर ले दो भगवान। चल पारस, धक्के मत दे भगवान, धक्के मत दे। पीछे आओ, पीछे आओ, नेपाल भारत सोमो कुश्ती रेसलिंग प्रतियोगिता। अली पछाड़ी, अली पछाड़ी, अली पछाड़ी, एकदम Vamos! Vamos! Vamos!
Hey, Nepal! Hey, Nepal!